लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए पावर प्लांट गुरु जी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कूलिंग टावर का जो परफॉर्मेंस है वो वेरी करता है सीजन टू सीजन, यानी कि तीन तरह का हम लोगों देखते हैं। एक तो है आपका विंटर, समर और रेनी सीजन। ये तीनों सीजन में आपका जो पावर प्लांट का कूलिंग टावर है उसका परफॉर्मेंस पूरा डिफरेंस रहता है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको पावर प्लांट गुरु जी में, मैं हूं पूर्ण। चलिए शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखने में। तो दोस्तों, आज हम लोगों का मेन टॉपिक है कि कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस कैसे, कौन कौन सीजन में कैसे वेरिएशन होता है। दोस्तों, मैं आपको पहले जैसे बोलता था कि आप पेशेंस रख के वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको बहुत मज़ा लगेगा वीडियो, कि ऐसे भी कुछ होता है क्या कूलिंग टावर में। फर्स्ट है कि रेनी विंटर और जो है समर, ये तीन ठो सीजन में आपका जो है कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस पूरा डिफरेंट रहता है। पहला तो आपका रहेगा कूलिंग टावर का जो परफॉर्मेंस यानी कि इफिशियंसी जब हाई रहेगा वो है आपका विंटर सीजन में। उसका बाद आएगा आपका समर सीजन, जो कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस हाई रहेगा विंटर का बाद है समर, और उसका बाद जो थर्ड में है वो है आपका रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में आपका जो कूलिंग टावर का एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम रहता है, ये दोनों सीजन से बिल्कुल कम रहता है, क्योंकि ये ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कूलिंग टावर का जो हीट रिजेक्शन है वो आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है, तो एयर में कितना आपका मॉइस्चर है उसका ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो तीनों सीजन है ये पूरी तरह अलग रहता है। तीनों सीजन में जो भी एटमॉस्फेरिक में आपका जो मॉइस्चर है कंटामिनेशन वो डिफरेंट रहता है, अलग अलग सा रहता है। तो आपका जो है विंटर में पूरा कम रहेगा, समर में उससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, फिर जो आपका रेनी सीजन है उसमें समर से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए ये तीनों का जो है तीनों सीजन में कूलिंग टावर का परफॉर्मेंस जो है वेरी होता है। जो भी पावर प्लांट प्रोफेशनल है उनको पता होगा कि ये तीनों सीजन में वो लोग उनको कूलिंग टावर में सिटी फैन चलाने का कितना रिक्वायरमेंट होता है, कौन सा सीजन में कितना तो सिटी फैन चलाते हैं उनको पता होगा। तो कूलिंग टावर का ऊपर में मैं एक तो दूसरा वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा तो आपको पूरा पता चल पाएगा। ये था एक तो जस्ट हिंट्स कि आपको पता चले कि कूलिंग टावर कौन कौन सा सीजन का ऊपर उसका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कमेंट देना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट जो है मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो मेरे को इंस्पायर करता है कि मैं आपके लिए और भी वीडियो बनाऊँ। तो रहता हूँ दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।